वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। मेरा ट्विटर हैंडल है anees_farooqui और आपसे ईमेल पे भी हमारी पे बातचीत रहती है anees_farooqui@gmail.com। पिछले सेगमेंट में हमने एक आपके सामने एक इशू पे बात की जो कि एक बहुत ही वैलिड करंट इशू है, एक अंधोनाक वाकया ज़ैनब का। लेकिन साथ साथ आइए कुछ आलमी हालात वाकयात पर भी बात हो जाए। और इस सिलसिले में एक बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा हुई है। ट्रंप साहब ने जो बयान दिया था वो तो आप लोगों ने देखा, अपनी जगह पर रहा, लेकिन उसके बाद उसके असरात धीरे धीरे अब उसके एक्शन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और उसमें एक बड़ा अहम अनाउंसमेंट हमने सुनी जिसमें अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की मुख्तलिफ ममालिक के बारे में, और उन्होंने उनको दर्जात दिए। इसको यूँ समझ लीजिए कि दर्जात एक नंबर से लेके 2, 3, 4। एक का मतलब है कि बहुत ही अच्छा मुल्क, बहुत ही खुशहाल, आप आराम से सुकून से जाइए। 4 का मतलब है कि मत जाइए। तो इसके 1 और 4 के दरमियान पाकिस्तान को नंबर 3 पर रखा गया है, यानी कि बहुत एहतियात से जाइए या ख्याल रखिएगा या ना ही जाइए तो बेहतर है। इस पे पाकिस्तान के लिए ये एक सिग्नल है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी तिजारती दोस्तियाँ ट्रैवल से ही वाबस्ता हैं। बहुत सारे वफ्त आते हैं जाते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ कॉरपोरेट CEOs आते हैं और जाते हैं, लेकिन हुकूमत अमेरिका ने पाकिस्तान को नंबर 3 कर दिया है। साथ साथ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इसी दर्जा बंदी में हिंदुस्तान को नंबर 2 रखा है। बड़े अहम मौके पे ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। ताहिर असलम गौरव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, आप इसको कैसा देखते हैं, जो ये इसकी टाइमिंग के बारे में जो ट्रैवल एडवाइजरी है, जो इसकी दर्जा बंदी है, ख़ास तौर पे 4 नंबर तक जो है वो बिल्कुल ख़तरनाक रेड लाइन होती है, 3 पर रख दिया है पाकिस्तान को। देखिए, बात यह है कि ट्रैवल एडवाइजरी स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ की, कैनेडा की भी होती है और अमरीका की भी होती है, जो गाहे बगाहे आती रहती है। ये कोई ऐसी मतलब आउट ऑफ रूटीन बात नहीं है, चूँकि इस ट्रैवल एडवाइजरी में सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं है, तकरीबन दुनिया के सारे मुल्कों का नाम है। जैसा आपने कहा, लेवल 1 है जिसमें बड़े अच्छे मुल्क हैं, लेवल 2 हैं जो फ्रेंडली हैं मगर थोड़ी एहतियात कर लीजिए, ठीक है। लेवल 3 में वो ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर आपको बहुत ही ज़रूरी हो तो जाएँ, कोशिश करें ना ही जाएँ, पाकिस्तान उस कैटेगरी में आ गया है। पहले शायद ये लेवल 2 पर होता था। लेवल 4 पे भी कुछ 10-12 मुल्क हैं और जिनके बारे में तो कहा गया आप जाएं ना, जिसमें इराक और ईरान और सीरिया, इस तरह के कंट्रीज़ हैं। अच्छा, अब जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइमिंग का भी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की जो इस वक्त कश्मकश चल रही है, या अमेरिका का जो पाकिस्तान के बारे में वाज़े मौक़िफ़ है दूसरे लफ्ज़ों में कि भाई वहाँ पे टेररिज्म हो रही है। चूँकि इस ट्रैवल एडवाइजरी में भी जो कहा गया है वो ये है कि भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिज्म होती है, कोई पता नहीं चलता किस वक्त किस मार्केट, शॉपिंग प्लाजा और पब्लिक जगह पर किस वक्त धमाका हो जाए, हम इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते। खासतौर पर जो गैर मुल्की पाकिस्तान में आमद रफ्त करते हैं, बिल्कुल कंपनियाँ हैं, जो सफारती अमला है या दीगर नॉन डिप्लोमेटिक है, उनके लिए भी मसले पैदा होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ तक इस ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि जो अमेरिका का सफारती अमला पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और इस्लामाबाद में है, उनको भी ये हदायत दी गई है कि वो एम्बेसी से ज़रा कम ही निकलें, और बहुत ही कोई ज़रूरत हो तो बड़े हिफाजती इकदाम करके निकलें। तो इसका मतलब ये कि काफ़ी संगीन लेवल है। तो ये वाशिंगटन का इस्लामाबाद को कोई पैगाम है? देखिए, पैगामात तो मुसलसल जा रहे हैं इस्लामाबाद को अगस्त 2017 से, जब से ट्रंप साहब ने US स्ट्रेटजी टूवर्ड्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान दी थी, तब से ये सिलसिला चल रहा है। फिर ये संगीन मसला होता है इसी साल के पहले दिन 1 जनवरी को सुबह 7:12 पे, जो उनकी ट्वीट जाती है जिसमें बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है ट्रंप साहब ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दही और झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया हमारे बिलियंस डॉलर्स लेने के बावजूद। और उसके बाद अगर आप 1 जनवरी से आज तक देखें तो मुसलसल बयान चल रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान को मैसेज ही मैसेज है, ठीक है, और ये एक नया मैसेज है। मगर मैं इसको मैसेज भी समझता हूँ, और ग्राउंड रियलिटी से पर अगर देखा जाए तो सिचुएशन वाकई ऐसी है, ये हमें ऑनेस्ट होना होगा, वाकई वहाँ पर टेररिज्म, ये बेचारे खुद पाकिस्तानियों का मसला है, ठीक है, उनको नहीं पता होता किस वक्त क्या हो जाए, कहाँ पे क्या हो जाए। तो चूंकि उनकी मजबूरी है वहाँ रहना है उनको, तो महफूज रहें ना रहें, सुबह जाते हैं शाम को घर आए ना आए, या बॉडी बैग में है, ये एक पाकिस्तान का आलमिया है, हर शहर का आलमिया है, तो इस पर इससे तो हम नहीं बच सकते। लेकिन जो आप इसके आलमी रवाबित के ताने बाने देख रहे हैं, अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, क्योंकि अमेरिका के चाइना से भी कोई बहुत अच्छे इस वक्त इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं कहे जा सकते,
देखिए, अमेरिका की टेंशन चाइना के साथ है, मगर चाइना में काफ़ी हालात बेहतर हैं, कोई टेररिज्म नहीं चल रही, बम धमाके नहीं हो रहे, और चाइना में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इंटैक्ट है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है। चाइना एक मतलब ऑलमोस्ट अ सुपर पावर, और वो सुपर पावर होने के साथ साथ वो एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है जनरली, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर तो कंट्रोल में है। ठीक, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो तजारती माहदों के हवाले से बात कर रहा हूँ, या उसकी पार्टनरशिप के रिलेशन से जो ट्रेड की बात होती है, और उसमें अमेरिका किसको ज़्यादा अपना क्लोज समझता है, हिंदुस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ये ट्राई का जो है, इसमें अगर आप एशिया की सूरत हाल देखते हैं इसको कैसा समझते हैं? देखिए, हिंदुस्तान अब तक चाइना के साथ बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, मैं हिंदुस्तान और चाइना की बात करूं, लेकिन अगर अमेरिका और चाइना की बात करूं तो इनका आपस में जो बिजनेस है ये दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड है, ठीक है, अमरीका और चाइना का, ठीक है। अब आपने इस ट्राइंगल की बात की, तो अब लग रहा है कि जैसे अमेरिका हिंदुस्तान के साथ अपने तजारती तल्लुकात को बढ़ावा दे रहा है और ज़्यादा दारोमदार फ्यूचर में उनके साथ करेगा। वैसे पहले भी हिंदुस्तान के साथ चाइना का बिजनेस और तरह का, मिसाल के तौर पर डॉलर शॉप की जो सारी चीज़ें हैं वो अक्सर चाइना से आती हैं, लेकिन जो आईटी का काम है या जो बड़े बड़े हाई टेक काम है वो ऑलरेडी इंडिया के साथ है। अब लगता है कि ये भी रहेंगे इंडिया के साथ साथ, अब वो छोटी इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं उसमें भी वो इंडिया को इनकरेज करेंगे और वो चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। इस सिलसिले में एक मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो कि इंडिया में तैनात अमरीकी सफीर ने क्या कहा है। अमेरिका फर्स्ट एंड मेक इन इंडिया आर नॉट इनकंपैटिबल, रादर इन्वेस्टिंग इन ईच अदर्स मार्केट्स विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। It will increase our economic interactions and volume of trade, lead to collaboration on emerging technologies, and create jobs in both countries. But let me go further and suggest that it's time to put a strategic lens on our economic relationship, just as we've done with our defense relationship. A number of U.S. companies have reported increasing difficulties conducting business in the largest market in the region, China. Accordingly, some companies are downgrading their operations there, while others are looking with great interest at alternative markets. India can seize the strategic opportunity through trade and investment to become an alternative hub for U.S. business in the Indo-Pacific region. Accelerating the economic and regulatory reform process already begun by Prime Minister Modi will help ensure that India is seen as an increasingly efficient, transparent, and well-regulated market. This will further promote growth and development. Continued reforms and trade liberalization will also enable Indian products to more readily become part of the global supply chain, thereby accelerating job creation. ये वीडियो क्लिप देखने के बाद जो एक चीज़, एक लफ्ज़ जो मैंने गौरव साहब, आपने शायद नोट किया हो नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इनकम्पैटिबल, यानी कि अगर इसको पॉजिटिविटी में देखा जाए तो वी आर कम्पैटिबल, वी आर कम्पेयरेबल, हम बिजनेस वाइज हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के, हमारी सनतें, हमारी तिजारत, हमारा मेथड, ये जो इनडायरेक्ट वे जो उन्होंने नहीं कहे लफ्ज़ शायद उस इन बिटवीन लाइंस अगर आप उसको रीड कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, इस पूरे वीडियो में इस लफ्ज़ के अलावा इस लफ्ज़ की वजाहत भी की गई है, और उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ, जैसे आपने नोट किया, उन्होंने कहा हमारी इनकम्पैटिबिलिटी है ही नहीं, यानी हम कम्पैटिबल हैं तो, और ऐसा है, मतलब आईटी की इंडस्ट्री, जैसे मैंने अभी वीडियो देखने से पहले आपसे कहा कि मतलब उसमें है हाईटेक के जो और शोबे हैं उसमें कंपैटिबल हैं, बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं चाइना में ये सस्ती पड़ती हैं, हिंदुस्तान में ज़रा महंगी पड़ती हैं, मगर भारत अब इस पोजिशन में आ रहा है कि वो शायद उसी प्राइसेस पे अमेरिका को चीज़ें दे सकें, ये जो कॉटेज इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, तौलिए हैं, ये मतलब जो हम डॉलर स्टोर्स पे देखते हैं ऑल अक्रॉस कैनेडा अमेरिका, तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका जो स्टेटमेंट बड़ा अहम है। मैंने जो पिक की बात शायद आपने भी देखी हो, और आपने इससे पहले सेगमेंट में भी कहा था कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बड़े अच्छे ट्रेड रिलेशन हैं, वो एक दूसरे के साथ बाहमी टेक्नोलॉजी वगैरह पे बातचीत करते रहते हैं, ट्रांसफ़र होता रहता है, लेकिन इसमें जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अमरीकी सफ़ीर ने,
उसमें आपने नोट किया कि उन्होंने कहा कि हम चाइना का मुतबादल अल्टरनेट जो है इंडस्ट्री इंडिया को पाते हैं। देखिए अभी जो रिसेंटली यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सामने आई थी दिसंबर 2017 में, उसमें सदर ट्रंप ने चाइना और रशिया को काफ़ी एक तरह से कंपेयर भी किया था, उनको वार्निंग्स भी जैसे दी थी, ठीक है। और उससे ही लगता है कि वो चाइना के साथ शायद अपना ट्रेड कम करेंगे, मगर जो डिपेंडेंसी चाइना पर है जब तक कोई अल्टरनेट नहीं होगा तो वो डिपेंडेंसी छोड़ नहीं सकते। तो शायद ये चाइना के लिए एक मैसेज है, ये मैं समझता हूँ एम्बेसडर यूएस एम्बेसडर इन इंडिया का, उनके लिए भी एक मैसेज है कि जनाब आपके साथ भी हम कारोबार कम करेंगे। तो ये तो बड़ी बड़ी पावर्स में खींचातानी चलती रहती है। आई होप कि चाइना भी एक बिजनेस कंट्री है जो कि है, मैं होप ये कहना चाह रहा हूँ कि आई होप कि वो आपस में बिजनेस लेवल पे एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे। देखिए बिजनेस में कंपटीशन होता है, आपसे मैंने कुछ खरीदना है मुझे रेट नहीं सूट करता तो मैं तीसरे बंदे से ले लूँगा, या आपसे मेरी नाराजगी हो रही है तो मैं शायद थोड़े से महंगे दाम पे तीसरे बंदे से ले लूँ। तो ये तो आम जिंदगी में भी होता है, छोटे छोटे बिजनेस में होता है और बड़े नेशंस के लेवल पर भी होता है। तो अब ये खींचातानी अगर बिजनेस के हद तक रहे तो ठीक है, अगर ये किसी कोल्ड वॉर की तरफ जाती है तो वो जाहिर है किसी के भी मफाद में नहीं है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी और इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं और उसमें हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब के हवाले से एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग अगला सेगमेंट है, ज़रूर देखिएगा। यहाँ ब्रेक लेने पहले हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।